हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीपीएस अड्डा पर आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम वीकली करंट अफेयर्स जो कि 24 मई 2021 से 30 मई 2021 तक है उसको कवर करेंगे। इसमें हम जितने भी करंट अफेयर्स आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होने वाला है उन सभी को डिस्कस करेंगे। इसके साथ ही इससे संबंधित कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होगा उनको भी कवर करेंगे। तो बने रहें वीडियो के अंत तक, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लें सो दैट कोई भी वीडियो अगर इस चैनल पर अपलोड किया जाता है तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप कोई वीडियो मिस न करें। यदि आपको इस करंट अफेयर्स का पीडीएफ चाहिए तो ज्वाइन कर सकते हैं आप हमारा टेलीग्राम चैनल। हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया जाएगा, या टेलीग्राम चैनल है हमारा BPSC_अड्डा। आप उस पर जाकर के इस करंट अफेयर्स का पीडीएफ आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि यदि आप 67th BPSC प्रीलिम्स और बिहार CDPO एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या बिहार SSC की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए एक डेडिकेटेड टेस्ट सीरीज इस चैनल पर स्टार्ट होने जा रहा है जो कि आपके एग्ज़ाम पैटर्न पर आधारित होगा। जैसा कि आपको मालूम होगा यदि आप BPSC के स्टूडेंट हैं कि BPSC में जो 5 ऑप्शन की जो प्रोविज़न है उसी के बेस पर हम टेस्ट सीरीज जो कि एक साइंटिफिक टेस्ट सीरीज होगा और वो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगा क्योंकि उस टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन के अलावे उससे संबंधित जो भी डिटेल्स होंगे सभी बताया जाएगा। तो आप हमारे इस चैनल के टच में रहें और जल्द ही आपको उसकी सूचना दी जाएगी। इसीलिए यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और नोटिफिकेशन को ऑन कर देते हैं तो आपको नोटिफिकेशन पहुँच जाए, अर्थात बेल आइकन को अगर प्रेस करते हैं तो आपको नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा और आप कोई भी वीडियो मिस नहीं करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का सेशन। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, इनमें से किस भारतीय को अंतर्राष्ट्रीय एनी अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? इंटरनेशनल एनी अवार्ड 2020 से सम्मानित किसे किया गया है? आपके पास ऑप्शन है ए प्रोफेसर CNR राव, बी प्रोफेसर अमर्त्य सेन, सी प्रोफेसर CK पुजारी एंड डी प्रोफेसर VS बिराव। देखिए, प्रोफेसर CNR राव को इंटरनेशनल एनी अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए प्रोफेसर CNR राव। इनको एक्चुअली में ये जो है हाइड्रोजन के ऊपर काम कर रहे हैं, अर्थात ग्रीन एनर्जी के ऊपर काम कर रहे हैं, इसीलिए इनको अर्थात प्रोफेसर CNR राव को यह अवार्ड दिया गया है और ये भारत रत्न से इन्हें सम्मानित किया गया था। और मैं आपको बता दूं कि इंटरनेशनल एनी अवार्ड को ऊर्जा अनुसंधान के क्षेत्र में नोबेल माना जाता है, अर्थात इसको इंटरनेशनल एनी अवार्ड को ऊर्जा अनुसंधान ऊर्जा एनर्जी रिसर्च के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार के रूप में भी जाना जाता है। तो इतना इस प्रश्न से आपको याद रखना है। चलिए आपको दिखा देता हूँ कि प्रोफेसर CNR राव कौन हैं। ये हैं प्रोफेसर CNR राव और इन्हीं को यह अवार्ड अर्थात इंटरनेशनल एनी अवार्ड दिया गया है। अगला प्रश्न है, इनमें से किस राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा अभिभावक मंत्री अर्थात गार्जियन मिनिस्टर नियुक्त किया गया है? आपके पास ऑप्शन है ए असम, बी उत्तर प्रदेश, सी मध्य प्रदेश, डी हरियाणा। आप वीडियो को पॉज करके आप अपना आंसर दे सकते हैं और अगर आप चाहें तो आप अपना आंसर कमेंट सेक्शन में लिखकर सारे प्रश्नों का आंसर देख सकते हैं। उससे पहले आपको पेन और पेपर लेके बैठे, जब भी आप करंट अफेयर्स डील कर रहे होते हो तो पेन और पेपर लिख के बैठे, आंसर को अपने नोटबुक में लिखिए और फिनिश होने के बाद अपना आंसर जो है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपका स्कोर क्या हुआ। अभिभावक मंत्री की नियुक्ति जो है असम सरकार के द्वारा किया गया है, अर्थात असम के मुख्यमंत्री के द्वारा नियुक्त किया गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए असम। अब असम की अगर हम बात करें तो असम के जो CM हैं, ये देखिए असम के CM हैं हेमंत बिस्वा, ठीक है। तो हेमंत बिस्वा जो हैं असम के CM हैं हेमंत बिस्वा शर्मा, और इन्हीं के द्वारा असम के 34 जिलों में सरकारी नीतिगत फैसलों से संबंधित प्रशासनिक सुधारों और अन्य कल्याणकारी योजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए अभिभावक अर्थात गार्जियन मिनिस्टर नियुक्त किया गया है, ठीक है। असम के चीफ मिनिस्टर हेमंत बिस्वा शर्मा के द्वारा राज्य के 34 जिलों में सरकारी नीतिगत फैसलों और प्रशासनिक सुधारों और अन्य कल्याणकारी योजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए अभिभावक मंत्री की नियुक्ति की गई है।
और टोटल 13 अभिभावक मंत्री की नियुक्ति की गई है। तो इस प्रश्न से इतना ही आपको याद रखना है। अगला देखते हैं, अगला प्रश्न है 2021 प्रिंसेस ऑफ ऑस्टूरियस अवार्ड, ठीक है, 2021 प्रिंसेस ऑफ ऑस्टूरियस अवार्ड से किस भारतीय को सम्मानित किया गया है? ए डॉक्टर एस जयशंकर, बी प्रोफेसर अमर्त्य सेन, सी प्रोफेसर सी एन आर राव एंड डी डॉक्टर एस आर द्विवेदी। देखिए वर्ष 2021 प्रिंसेस ऑफ ऑस्टूरियस अवार्ड, जो कि स्पेन का सर्वोच्च अवार्ड है, से प्रोफेसर अमर्त्य सेन को सम्मानित किया गया। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी प्रोफेसर अमर्त्य सेन। एक चीज और मैं बता दूं कि प्रोफेसर अमर्त्य सेन को वर्ष 1998 में इकोनॉमिक्स के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और वर्ष 1999 में इनको भारत सम्मान भी दिया गया है, अर्थात भारत रत्न सम्मान इनको दिया गया है। तो 1998 में नोबेल पुरस्कार और वर्ष 1999 में भारत रत्न से अमर्त्य सेन को सम्मानित किया गया था। ये हैं अमर्त्य सेन और इनको सामाजिक विज्ञान श्रेणी में स्पेन के द्वारा 2021 में प्रिंसेस ऑफ ऑस्टूरियस अवार्ड से सम्मानित किया गया है और ये अर्थशास्त्री और नोबेल पुरस्कार विजेता हैं। और इस पुरस्कार में 50,000 यूरो का कैश प्राइज दिया जाता है, उसके साथ ही जोआन मीरो की एक प्रतिमा और एक डिप्लोमा और प्रतीक चिन्ह भी शामिल है। तो इतना इस प्रश्न से आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है बंधन योजना कब शुरू किया गया था, जो बंधन प्रोजेक्ट है वो कब शुरू किया गया था? आपके पास ऑप्शन है ए 14 अप्रैल 2017, बी 14 अप्रैल 2018, सी 14 अप्रैल 2019 एंड डी 14 अप्रैल 2020। ठीक है, बंधन योजना की अगर हम बात करें तो ये ट्राइफेड के द्वारा, ठीक है, ट्राइफेड के द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है और इसकी जो शुरुआत है वो 14 अप्रैल 2018 को किया गया था। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी 14 अप्रैल 2018। और ये किसके द्वारा शुरू किया गया था, किया जा रहा है ये निगरानी, ये ट्राइफेड के द्वारा इसको लागू किया जा रहा है। अगर हम जनजातीय मामलों के मंत्री की बात करें, और ट्राइफेड क्या है, ट्राइबल जो ये है मंत्रालय है उसके अंतर्गत ये काम करता है, और जनजातीय मामलों के मंत्री हैं अर्जुन मुंडा। और हाल ही में चर्चा में इसलिए था ये बंधन योजना क्योंकि ट्राइफेड और नीति आयोग के द्वारा बंधन योजना को लागू करने के लिए एक साझेदारी किया गया है। सो यह प्रश्न न्यूज में इसलिए था कि बंधन योजना को लागू करने के लिए ट्राइफेड और नीति आयोग के द्वारा साझेदारी किया गया है। तो आपने देखा कि जनजातीय मामलों के मंत्री हैं अर्जुन मुंडा, वहीं नीति आयोग की अगर हम बात करें तो नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को हुआ था। नीति आयोग का मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली में है, और नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है, नरेंद्र मोदी। कमेंट सेक्शन में आप हमें लिख के बताइए कि नीति आयोग के वर्तमान में उपाध्यक्ष कौन है। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो आप इतना कर सकते हैं कि आंसर को सर्च आउट करके यदि आप जानते हैं तो डायरेक्ट प्रतिक्रिया सेक्शन अर्थात कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, और अगर नहीं जानते हैं देन यू कैन सर्च आउट। सर्च आउट करने से क्या होता है, उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो आपको जानकारी चाहिए वो भी आपको मिल जाता है। पॉकेट्स डिजिटल वॉलेट का संबंध किस बैंक से है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, खासकर को वैसे स्टूडेंट जो बैंकिंग का तैयारी कर रहे होंगे। पॉकेट्स डिजिटल वॉलेट का संबंध किस बैंक से है, ए ICICI बैंक, बी SBI, सी HDFC एंड डी PNB। देखिए पॉकेट्स डिजिटल वॉलेट का संबंध जो है वो ICICI से है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए ICICI। अब यहाँ देख लीजिए पिक्चर में आप देख सकते हैं ये है ICICI बैंक और इसने पॉकेट डिजिटल वॉलेट लॉन्च किया था। सो इसमें आपको मैं यहाँ दिखा दूँ यहाँ क्या लिखा हुआ है कि कस्टमर ऑफ एनी बैंक कैन क्रिएट अ पॉकेट्स, ठीक है। इसमें आप जो ICICI के जो साइट पर जाइएगा या एक ऐप है इसको डाउनलोड कीजिए और वहाँ पर आप अपना वैलेट तैयार कर सकते हैं। अब ये चर्चा में क्यों था, चर्चा में इसलिए है क्योंकि ICICI बैंक ने इसको डिजिटल वॉलेट को UPI से जोड़ने के लिए, अपना UPI लेने के लिए नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया से साझेदारी किया है। किससे साझेदारी किया है, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया से। तो ठीक है, तो एक चीज़ मैं बता दूँ यहाँ पर कि नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना 2008 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड इंडियन बैंक एसोसिएशन के द्वारा किया गया था। इसका न्यूज आपको मैं दिखा देता हूँ। पहले नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन
ऑफ इंडिया की जो स्थापना है वर्ष 2008 में किया गया था, किसके द्वारा, आरबीआई और इंडियन बैंक एसोसिएशन के द्वारा। और ये किस लिए किया गया था, भारत में खुदरा भुगतान और निपटान प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, तो इतना आपको जो नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया से याद रखना है कि नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और आईबीए के साझेदारी के द्वारा किया गया था वर्ष 2008 में, और डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के, अर्थात खुदरा भुगतान और निपटान प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए। इसके साथ ही आपको याद रखना है कि आईसीआईसी का जो मुख्यालय है वर्तमान में वो मुंबई में है, और मुंबई महाराष्ट्र में। आईसीआईसी बैंक के वर्तमान में एमडी और सीईओ कौन है, संदीप बख्शी हैं, और आईसीआईसी बैंक के टैगलाइन है हम हैं ना ख्याल आपका। ठीक है, तो इतना आपको इस प्रश्न से याद रखना है। अगर आप ये डाटा को याद नहीं रखते, ये डाटा खास करके उनके लिए इम्पॉर्टेंट है जो बैंकिंग की तैयारी करते हैं, बट ये इसे याद करना है आपको, और ये प्रश्न को तो आप मगअप कर जाइएगा, ध्यान में रखिएगा, क्योंकि इससे प्रश्न जो है इवन यूपीएससी में भी पूछा जा चुका है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया से लेकर के। तो आपको इस प्रश्न को ध्यान रखना है चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हों। भारत की पहली महिला उड़ान परीक्षण इंजीनियर कौन बनी है। कोई भी चीज़ अगर कहीं भी पहली बार होता है तो वह प्रश्न आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट बन जाता है। सो भारत की पहली महिला उड़ान परीक्षण अर्थात टेस्ट फ्लाइट इंजीनियर कौन बनी है। उड़ान परीक्षण इंजीनियर अर्थात टेस्ट फ्लाइट इंजीनियर कौन बनी है। आपके पास ऑप्शन है ए स्क्वाड्रन लीडर आश्रिता बी ओलेटी, बी फ्लाइंग ऑफिसर बी के जोशी, डी फ्लाइट लेफ्टिनेंट रमन्ना देसाई एंड डी विंग कमांडर पूजा भटनागर। ठीक है, भारत की पहली महिला उड़ान परीक्षण इंजीनियर अर्थात टेस्ट फ्लाइट इंजीनियर जो है स्क्वाड्रन लीडर आश्रिता बी ओलेटी बनी है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए स्क्वाड्रन लीडर आश्रिता बी ओलेटी। ये हैं स्क्वाड्रन लीडर आश्रिता बी ओलेटी, और ये इंडिया का फर्स्ट फ्लाइट टेस्ट इंजीनियर बने हैं। ये बेसिकली बिलोंग करते हैं कर्नाटका से, एंड ही हैज़ ग्रेजुएटेड एज अ पार्ट ऑफ द 43rd फ्लाइट टेस्ट कोर्स आफ्टर कंप्लीटिंग 1 ईयर कोर्स एट द पायलट स्कूल। सो इतना आपको इस प्रश्न से याद रखना है। अगला देखिए, अगला प्रश्न है स्मार्ट किचन योजना की शुरुआत किस राज्य के द्वारा शुरू की गई है। ए कर्नाटका, बी तमिलनाडु, सी आंध्र प्रदेश एंड डी केरल। स्मार्ट किचन योजना की जो शुरुआत है वो केरला के द्वारा शुरू की गई है, तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी केरल के द्वारा। केरल के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं पिनराई विजयन। कौन है, पिनराई विजयन, याद रखिएगा। और वहां के गवर्नर अर्थात राज्यपाल हैं वर्तमान में आरिफ मोहम्मद खान। प्रश्न देख लेते हैं, अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट डे प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है। यह प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इससे संबंधित जो मैं आपको महत्वपूर्ण तथ्य बताऊंगा वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट डे जो है प्रत्येक वर्ष 29 मई को मनाया जाता है, तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी 29 मई। क्या हो जाएगा, 29 मई अर्थात 29th मई को प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट डे मनाया जाता है। अब आइए जो मैं आपको बताने वाला था कि इम्पॉर्टेंट फैक्ट इससे संबंधित, वो ये कि यह जो है 29 मई को क्यों मनाया जाता है, क्योंकि ये नेपाली तेंजिंग नॉर्वे और न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी ने इसी दिन 1953 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी, और वे यह उपलब्धि हासिल करने वाले पहले इंसान थे, अर्थात पहला व्यक्ति थे जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई किए थे। माउंट एवरेस्ट का नेपाली नाम की अगर हम बात करें तो नेपाली नाम है सागरमाथा, और वहीं तिब्बती नाम की बात करें तो तिब्बती नाम है चोमोलुंगमा। क्या है, चोमोलुंगमा। नेपाल के प्रधानमंत्री हैं केपी शर्मा ओली, और नेपाल के राष्ट्रपति हैं विद्या देवी भंडारी। नेपाल की राजधानी की अगर हम बात करें तो नेपाल की राजधानी है काठमांडू, और नेपाल की मुद्रा है नेपाली रुपया। तो इतना जो है आपको इस प्रश्न से याद रखना है। चलिए अगला देख लेते हैं, अगला है सीरिया के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। हाल ही में सीरिया में नए राष्ट्रपति बने हैं, तो आपको बताना है कि सीरिया के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। आपके पास ऑप्शन है ए बशर अल असद, बी मोहम्मद नाजी अल उतारी, सी मोहम्मद अल मसूद एंड डी बरहाम साले। देखिए सीरिया के नए राष्ट्रपति के रूप में बशर अल असद को नियुक्त किया गया है, और ये चौथी बार, लगातार चौथी बार सीरिया के राष्ट्रपति बने हैं।
तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए बशर अल असद। हालांकि इनके चुनाव को वेस्टर्न कंट्रीज के द्वारा क्रिटिसाइज किया गया था और बोला गया था कि यह एक तमाशा है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो आपको याद रखना है सीरिया के नए राष्ट्रपति के रूप में बशर अल असद को चौथी बार, लगातार चौथी बार नियुक्त किया गया है। सीरिया की अगर हम राजधानी की बात करें, सीरिया की राजधानी है दमस्कस और सीरिया का मुद्रा है सीरियाई पौंड। आप इसके बॉर्डरिंग कंट्री को अगर हम बात करें तो आप वेस्ट में देख लीजिए, वेस्ट में इसके लेबनान पड़ता है और मेडिटेरियन सी है। इसको अगर हम साउथ वेस्ट की बात करें तो साउथ वेस्ट में इजराइल पड़ता है, अगर साउथ की बात करें तो साउथ में जॉर्डन है, पश्चिमी की बात करें तो पश्चिम में इराक है और इसके नॉर्थ में टर्की है। तो इतना आपको इस पॉइंट से याद रखना है। इस सारे लोकेशन को ध्यान दीजिए, ये सारे लोकेशन को अगर आप मैप में एक बार देख लेते हैं तो यह प्रश्न आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है। चलिए तो अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है एमनेस्टी इंटरनेशनल डे कब मनाया जाता है। आपके पास ऑप्शन है ए 27 मई, बी 28 मई, सी 29 मई एंड डी 30 मई। देखिए प्रत्येक वर्ष एमनेस्टी इंटरनेशनल डे है वो 28 मई को मनाया जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी 28 मई। और ये 28 मई को क्यों मनाया जाता है, क्योंकि 28 मई 1961 को लंदन में पीटर बेंस नामक एक ब्रिटिश वकील के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। और यह एक क्या है, गैर सरकारी संगठन है। याद रखिएगा एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है वो गैर सरकारी संगठन है जिसकी स्थापना लंदन में वर्ष 1961 में किया गया था। तो इतनी बातें आपको याद रखनी है। इसके साथ ही एक चीज़ जो महत्वपूर्ण है वो ये कि एक वर्क क्यों क्या करता है, इसका काम है वर्किंग टू प्रोटेक्ट ह्यूमन राइट। तो एमनेस्टी इंटरनेशनल का जो संबंध है वो किससे है, टू प्रोटेक्ट ह्यूमन राइट से है। ठीक है, आपको याद रखना है कि 1961 में इसकी स्थापना पीटर विंस नामक एक ब्रिटिश वकील के द्वारा लंदन में एक गैर सरकारी संगठन के रूप में किया गया था। इससे जो है इस टॉपिक से प्रश्न यूपीएससी और कई अन्य स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में पूछे जा चुके हैं। तो यह प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, खास करके एमनेस्टी इंटरनेशनल का संबंध किससे है और ये है क्या। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के सीईओ किसे नियुक्त किया गया है। रिजर्व बैंक का इनोवेशन हब, इनोवेशन जहां पर कोई चीज़ें जो है इनोवेटिव तरीके से इनोवेट किया जा सके। आपके पास ऑप्शन है ए राजेश बंसल, बी विक्रम सिंह, सी टी रविशंकर एंड डी एम राजेश्वर राव। रिजर्व बैंक के इनोवेशन हब जो है उसका सीईओ राजेश बंसल को बनाया गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए राजेश बंसल। अगर आरबीआई की हम बात करें तो आरबीआई की जो स्थापना हुआ था 1 अप्रैल 1935 में हुआ था। ठीक है, आरबीआई एक्ट 1934 के अंतर्गत 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुआ था। तो इतना इस प्रश्न से आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है द्रोणाचार्य अवार्ड किसे दिया जाता है। ए खिलाड़ी को, बी कोच को, सी अंपायर को, डी खेल सचिव को। इफ़ यू नो अबाउट द द्रोणाचार्य, अगर आप द्रोणाचार्य के बारे में जानते हैं तो आप इस प्रश्न को हल सही तरीके से कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले तो इस प्रश्न से दो तीन तरीके से प्रश्न पूछा जाता है। पहला, द्रोणाचार्य अवार्ड जो है किस क्षेत्र में दिया जाता है, खेल, साहित्य, संगीत या बॉलीवुड, इस तरह के। तो द्रोणाचार्य अवार्ड जो है वो खेल के क्षेत्र में, वहाँ तो आंसर हो गया खेल। दूसरा, द्रोणाचार्य अवार्ड जो है किसे दिया जाता है, तो ए खिलाड़ी को, बी कोच को, सी अंपायर को, डी खेल सचिव को। तो द्रोणाचार्य कौन थे, द्रोणाचार्य गुरु थे, शिक्षक थे। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी कोच, कोच को द्रोणाचार्य अवार्ड दिया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है नेहरू तिब्बत और चीन पुस्तक के लेखक कौन है। ए डॉक्टर एस जयशंकर, बी अवतार सिंह, सी शिवशंकर मेनन एंड डी नीना गुप्ता। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी अवतार सिंह। क्या होगा, ऑप्शन बी अवतार सिंह। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसे लाइक और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर दीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है इंडिया एंड एशियन जियो पॉलिटिक्स कर लीजिएगा, यहाँ पर जियो पॉलिटिक्स। ठीक है, जियो पॉलिटिक्स, ओके, एशियन एंड एशियन जियो पॉलिटिक्स द पास्ट प्रेजेंट के लेखक कौन है, द पास्ट प्रेजेंट के लेखक कौन है। फिर से एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ, इंडिया एंड एशियन जियो पॉलिटिक्स द पास्ट एंड प्रेजेंट के लेखक कौन है। ए शिवशंकर मेनन, बी
अवतार सिंह, सी शशि थरूर एंड डी डॉक्टर एस जयशंकर। सो इंडिया एंड एशियन जियोपॉलिटिक्स के लेखक हैं वो हैं शिव शंकर मेनन। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए शिव शंकर मेनन। अगला देखते हैं, अगला प्रश्न है चक्रवात यास का नामकरण किस देश के द्वारा किया गया है। जैसा कि आपको मैं बता दूं कि हाल ही में आपने देखा होगा कि बंगाल की खाड़ी में चक्रवात यास अभी भी है और जिसके कारण खास करके जो कोस्टल एरिया है पूर्वी क्षेत्रों में बंगाल, उड़ीसा, इवन बिहार तक को भी ये काफ़ी प्रभावित किया है। तो यह प्रश्न जो है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होगा। तो मैं बता दूं कि चक्रवात यास का जो नामकरण है यह जो है ओमान के द्वारा किया गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी ओमान। ओमान के द्वारा चक्रवात यास का नामकरण किया गया है और यास जो है का नामकरण एक ट्री के आधार पर किया गया है, अर्थात यास का मतलब होता है एक प्रकार का पौधा। तो इतना इस प्रश्न से आपको याद रखना है। एक चीज़ मैं और आपको बता दूं कि इसके पहले एक और चक्रवात आया था जिसका नाम था तौकते, ठीक है, क्या था, चक्रवात तौकते, साइक्लोन तौकते, और उसका नामकरण जो है म्यांमार के द्वारा किया गया था और म्यांमार के द्वारा एक गेको के नाम पर किया गया था तौकते का नामकरण। तो अगर आपसे पूछता है चक्रवात यास का, दो तीन चीज़ें याद रख लीजिए इसके बारे में, आपको मैं बता दूँ तो बिंदुवार तरीके से। सबसे पहले इसका नामकरण किसके द्वारा, ओमान के द्वारा, ठीक है। कहाँ पर आया, तो बंगाल की खाड़ी में, राइट, इतनी चीज़ें याद रहेगी। ये है, अगर इसको इंडिया मानते हैं, दिस इज द बे ऑफ बंगाल, और यहाँ पर हिट किया उड़ीसा और बंगाल को, इवन बिहार को भी हिट किया, ठीक है। इसके अलावे मैं आपको बता दूं कि जो इसका जो नामकरण है, एक यास का मतलब होता है एक प्रकार का पौधा, क्या होता है, पौधा। तो इतनी बातें तो आपको याद हो गई है। इसके अलावा एक चीज़ और मैं बता दूं कि इसके पहले जो आया था ये अरेबियन सी में आया था, क्या आया था, तौकते, और इससे मुंबई और गुजरात काफ़ी प्रभावित हुए थे। तो तौकते का जो नामकरण है वो म्यांमार के द्वारा किया गया था और तौकते जो है वहाँ का एक म्यांमार का गेको जो वोकल लिजार्ड है उसके आधार पर किया गया था। तो इतना प्रश्न जो है, इस प्रश्न से इतना बिंदु आपको याद रखना है, महत्वपूर्ण चीज़ें याद रखनी हैं। अगर आप चक्रवात का जो नामकरण है उससे संबंधित वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो आप जाकर के हमारे चैनल पर इससे संबंधित, अर्थात नामकरण कैसे होता है, उसका वीडियो डिटेल में बनाया हुआ है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। साइक्लोन तौकते के बारे में आप देखिए, उसमें सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है संजीवनी परियोजना इनमें से किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया है। ए हरियाणा, बी मध्य प्रदेश, सी केरल एंड डी गुजरात। संजीवनी परियोजना जो है हरियाणा सरकार के द्वारा हर घर पर कोविड रोगियों को इलाज के लिए बनाया गया है, और तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए हरियाणा। मैं आपको बता दूं कि हरियाणा का जो कैपिटल है वो है चंडीगढ़, क्या है, चंडीगढ़, और हरियाणा के सीएम हैं मनोहर लाल खट्टर, और गवर्नर वहां के कौन हैं, वहां के गवर्नर हैं सत्यदेव नारायण आर्य। तो एक बार फिर से मैं बताता हूं, संजीवनी परियोजना जो है हरियाणा सरकार के द्वारा हर घर पर कोविड रोगियों के इलाज के लिए शुरू किया गया है वर्तमान, और हरियाणा के जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं वो हैं मनोहर लाल खट्टर, और हरियाणा के वर्तमान में राज्यपाल हैं सत्यदेव नारायण आर्य। हरियाणा का कैपिटल है चंडीगढ़। तो चंडीगढ़ और किस राज्य का कैपिटल है, कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे बताइए। दो राज्यों का कैपिटल चंडीगढ़ है, तो एक तो मैंने बता दिया आपको हरियाणा, दूसरा आपको बताना है। अगला प्रश्न है सच कहूँ तो इनमें से किसकी आत्मकथा है, ठीक है, एक इनमें से एक व्यक्ति की आत्मकथा है जिसका टाइटल है सच कहूँ तो। आपके पास ऑप्शन है ए प्रियंका चोपड़ा, बी माधुरी दीक्षित, सी नीना गुप्ता एंड डी रीना पांडे। ठीक है, सच कहूँ तो एक बॉलीवुड अदाकारा नीना गुप्ता का आत्मकथा है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है वर्ल्ड हंगर डे प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है। आपके पास ऑप्शन है ए 27 मई, बी 28 मई, सी 29 मई एंड डी 30 मई। वर्ल्ड हंगर डे प्रत्येक वर्ष 28 मई को मनाया जाता है, तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी 28 मई।
अब आइए थोड़ा इस न्यूज़ से संबंधित फैक्ट को हम देख लेते हैं डिटेल में। मैं आपको बता दूं कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है प्रत्येक वर्ष भुखमरी से संबंधित आंकड़ा जारी करता है, और एक ग्लोबल हंगर इंडेक्स जारी किया जाता है। और ये किसके द्वारा जारी किया जाता है? ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है जारी किया जाता है कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्थ हंगर हिल्फे के द्वारा। ठीक है, वेल्थ हंगर हिल्फे के द्वारा, ये दोनों के कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्थ हंगर हिल्फे के द्वारा ज्वाइंटली पब्लिश किया जाता है प्रत्येक वर्ष। और इस रिपोर्ट के अनुसार ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 के अनुसार इंडिया की जो रैंक है वो 94 है। काफ़ी इम्पॉर्टेंट ये इंडेक्स है, आपको याद रखना है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का स्थान 2020 में क्या था? तो 94 था। 2021 वाला भी जारी नहीं हुआ है, जनरली ये अक्टूबर में जारी होता है। तो और ऑर्ड ऑफ समझ सकते हैं 107, तो सीवियर कंडीशन है भुखमरी का भारत में। चलिए, तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही।